दोस्तों गदर का पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा और ठीक नीचे उसमें हमारे गदर के दीवाने अशोक सर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अशोक सर ने गदर देखी है और गदर जब रिलीज हुई थी उसे भी देखा। अशोक सर, आपने आखिरकार गदर देखी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय आपकी फिल्म के बारे में? देखो गदर जो है मतलब है, जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह से मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे जब मालूम पड़ा इंटरव्यू के बाद जो है ज़्यादा मुझे मतलब ये समझ। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अनिल शर्मा ने जिस तरह से डायरेक्शन किया मैं मानूंगा, क्योंकि आज तक किसी कोई भी डायरेक्टर का मैं डायरेक्शन देखा हूँ उसमें अगर घर दिखाया है तो अभी के माहौल के हिसाब से, अभी क्या है फिर 70 का माहौल के हिसाब से नहीं, अभी के माहौल के हिसाब से दिखाते तो वैसा नहीं। लेकिन इन्होंने जो है वो पूरा चीज़ का ध्यान रखते हुए, हर एक चीज़, हर एक बिल्डिंग, हर एक मतलब सामान का मतलब ध्यान रखते हुए सब कुछ, ड्रेसिंग से लेकर सब कुछ एकदम परफेक्ट किया है, तो मैं मानना पड़ेगा अनिल शर्मा का इज बेस्ट। सनी देओल का रोल कैसा लगा आपको? देखो सनी देओल आज भी जो है जब ये मूवी मैं देख रहा था, जब ये एक्शन कर रहे थे तो जैसे लग रहा था कि पार्ट वन मैं देख रहा हूँ ऐसे, मतलब अभी भी एकदम जो है यंग और एकदम तरोताज़ा, एकदम मस्त, एकदम स्मार्ट, हैंडसम दिख रहे हैं एकदम। उनका शर्मा जो है न्यू फाइंडिंग लगे, उनका किरदार कैसा लगा? देखिए उनका किरदार जो है इंटरव्यू के बाद जब एक्शन होती है तब कुछ है, और एक्टिंग जब वो साथ में सन्नी पाजी के साथ जब कुछ एक्शन में है उसके बाद जो है उनका थोड़ा बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के कहा जाए तो विलन का रोल कैसा लगा आखिरी सवाल? अरे विलन का रोल इज बेस्ट। क्या देखिए पहली बात क्या है कि मैं अनिल शर्मा को वही बताना चाहता हूँ कि देखिए आपने हुकूमत देखा था, उन्होंने लाया था सदाशिव अमरपुरकर को, वो भी नए एक्टर थे और उनको लाके इतना उन्होंने फेमस कर दिया और मूवी भी फेमस, मूवी भी हिट गई वो भी, और अमरीश पुरी को लाए आज भी जो है उनके नाम से, और ये जो है इनको लेके आए। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे पूरे के पूरे मूवी में ये नहीं लगा कि हम लोग जो है अमरीश पुरी की कमी महसूस कर रहे हैं। मैं अशोक से एक चीज़ जानना चाहूँगा, आजकल के लोगों को क्या पिक्चर पसंद आएगी? अफकोर्स पहले के लोगों को पसंद नहीं है। देखिए पहली बात क्या है कि ये अगर मूवी उस टाइम पे जब 2001 में आई थी, अगर ये 2003 या 4 या 5 में आती थी तो बहुत मूवी चलती थी। लेकिन एक बात यह है कि ये मूवी जिस तरह से मतलब इन्होंने धीरे 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 कंटेंट पकड़ते हुए इंटरव्यू के बाद जो हमें दिखाया है उस हिसाब से पब्लिक को मूवी पसंद आएगी। क्यों? पहले बेटा जाता है ढूंढने के लिए, फंस जाता है, फिर उसके बाद बाप जाता है, मतलब बहुत अच्छा से, बहुत सही तरीके से, और जो इसमें मतलब एक्शन ज़्यादा है, पब्लिक को एक्शन चाहिए, लेकिन किस तरह का एक्शन है, जिस तरह का पब्लिक को चाहिए, रोमांटिक, गाना, हर एक चीज़। लेकिन डायरेक्शन पर मैं बहुत गौर किया, डायरेक्शन बहुत इनका बेहतरीन है, क्योंकि डायरेक्शन में आज भी उनके अंदर कमी नहीं है, अनिल शर्मा में उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया। पब्लिक को पसंद आएगी पहले? हाँ पब्लिक को पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि सन्नी पाजी का जो है आज भी जो है वैसे ही एक्शन है, वैसे ही सब कुछ है आज भी उन्हें जो है। हाँ ये है कि आप जो आशा रखे हैं दमकल, वो हैंडपम्प उखाड़ने का वो जाते हैं, वो नाम से ही पूरा का पूरा जो है सब डर जाते हैं, तो उसको उखाड़ने का बोले जाने दो, ये हाथ रखने से ही डर रहे तो उसको उखाड़ने की ज़रूरत क्या है? रेटिंग क्या रहेगी अशोक सर इस फिल्म को लेकर? देखिए ये मूवी जो है पब्लिक को पसंद आएगी, पूरी फैमिली मूवी है, तो इस मूवी को जो है मैं पूरे के पूरे देता हूँ 4 स्टार। बहुत शुक्रिया अशोक सर बात करने के लिए। दोस्तों इनको जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऑटो रंगन चैनल। थैंक यू, शुक्रिया सर।